अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेवन्थ ऑनलाइन लेक्चर में आज हम लूप को कंटिन्यू कर रहे हैं। लूप में आज मजीद दो डेफिनेशंस का इजाफा करते हैं हम, फाइनाइट लूप एंड इनफाइनाइट लूप। ऐसी लूप्स जिनको हम चला मतलब जब चलती हैं तो वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम चलती हैं या फिर वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ टर्मिनेट हो जाती हैं। ऐसी लूप जो किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, चाहे वो उसकी इंडेक्स वैल्यू हो जो कि काउंटर कंट्रोल वेरिएबल होता है, या उसकी सेंटिनल वैल्यू हो, जिस तरह से हमने सेंटिनल कंट्रोल लूप्स पढ़ी थी। दोनों लूप्स फाइनाइट लूप का पार्ट बनती हैं, यानी कि दोनों लूप्स किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। काउंटर कंट्रोल लूप है वो टर्मिनेट हो जाती है, और हम उसको पहले से बता सकते हैं कि कितनी दफ़ा चलने के बाद ये लूप टर्मिनेट होगी। जिस तरह से हमने लिखा था कि डिस्प्ले मैसेज बॉक्स 5 टाइम्स, 5 दफ़ा पाकिस्तान लिखा डिस्प्ले करें, हमें पता है कि लूप 5 दफ़ा चलनी है। फिर हमने ये कहा था कि जी कोई नंबर एंटर करें, हम उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, तो फैक्टोरियल जो आपने नंबर दिया है, 7 नंबर दिया, तो वो लूप 7 टाइम चलेगी। 8 एंटर किया तो वो लूप 8 टाइम चलेगी, लेकिन चलने के बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगी, लूप एंड हो जाएगी। ऐसी लूप को हम कहते हैं फाइनाइट लूप, यानी कि जिसके ऊपर कोई कंडीशन लगी हो और वो लूप टर्मिनेट हो जाती है उस कंडीशन के ऊपर जाके, ऐसी लूप को हम कहते हैं फाइनाइट लूप। कुछ ऐसी लूप्स होती हैं जो कि आप जो फाइनाइट नहीं होती, जिनके अंदर कंडीशन ऐसी लगी होती है जो कभी अक्कर हो नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, डिम एन एज एन टीचर, एन की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 1 रख दी, मैंने लिखा डू वाइल एन ग्रेटर देन 1, लिखा पाकिस्तान, मैसेज बॉक्स में जाके लिखते हैं पाकिस्तान। हर दफा उसमें 1 का इंक्रीमेंट लगा दें। अब देखें, अगर मैं इस लूप को एग्जीक्यूट करता हूं तो इसकी कंडीशन तो हमेशा ट्रू ही रहेगी, मतलब पहली दफा इनकी वैल्यू 1 है, इनकी वैल्यू 1 ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है 1 के, कंडीशन ट्रू है, वाइल लूप है, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में हम लूप की बॉडी पे आ जाएंगे और एन की वैल्यू हम कर देंगे 2। अब 2 होने की सूरत में 2 ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, अगली दफ़ा ये 3 हो जाएगा, अगली दफ़ा 4 हो जाएगा, तो ये लूप कभी भी टर्मिनेट ही नहीं होगी। टर्मिनेट होने के लिए इसकी कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है, कंडीशन कभी भी फॉल्स होगी नहीं, ठीक है। तो ऐसी लूप जिसकी कंडीशन ऐसी है जो कभी अक्कर हो ही नहीं सकती, ऐसी लूप को कहते हैं एंडलेस लूप। ऐसी लूप एंडलेस होती हैं क्योंकि आपकी जो कंडीशन आपने लगाई हुई है वो कभी अक्कर नहीं होगी, जब तक कंडीशन अक्कर नहीं होगी वो लूप कभी भी रुकेगी नहीं। तो ऐसी लूप को हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। ऐसी लूप जो कि फाइनाइट होती हैं, हम यहाँ पे कह देते हैं एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अब हमें पता है कि 10 के ऊपर जाके रुक जाएगी लूप, ठीक है। तो ऐसी लूप को हम कहते हैं फाइनाइट लूप, और फिर ये 10 दफ़ा चलेगी, हमें यहाँ से और यहाँ से देख के आइडिया हो गया, इसका मतलब ये काउंटर कंट्रोल लूप है, नॉट अ सेंटिनल कंट्रोल लूप। तो ये दो डेफिनेशन मजीद हमने ऐड की हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप। चौथी टाइप ऑफ लूप के ऊपर आज हम मूव कर रहे हैं, डू लूप अंटिल, ये सिमिलर होती है डू लूप वाइल के। डू लूप वाइल को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, ये लूप चलती है लेकिन उसकी स्टेटमेंट्स पहले रन हो जाती हैं, कंडीशन बाद में रन होती है, इसको हम कहते हैं पोस्ट कंडीशन लूप। सिमिलरली ये भी पोस्ट कंडीशन लूप है, दोनों पोस्ट कंडीशन लूप हैं, यानी कि पहले लूप की बॉडी रन होती है उसके बाद कंडीशन रन होती है। लेकिन आपने पहले लेक्चर में भी लर्न किया होगा, इस लेक्चर में भी लर्न कर रहे हैं हम, कि जब वाइल होता है तो कंडीशन ट्रू होगी तो हम कंडीशन लूप की स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा वापस आएंगे, अनटिल में जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक हम वापस आते रहेंगे, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी हम लूप से बाहर चले जाएंगे। अनटिल की प्रॉपर्टी है कि ये फॉल्स लूप के साथ चलती है, चाहे वो डू लूप वाइल हो, डू लूप अनटिल हो, या डू अनटिल लूप हो, दोनों सूरतों में अनटिल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अनटिल तब तक लूप में रहती है जब तक कंडीशन फॉल्स हो, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हम अपनी लूप से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डू लूप वाइल के साथ मैच करती हैं, किस लिहाज से कि इसमें पोस्ट कंडीशन होती है, यानी कि आप पहले स्टेटमेंट बॉडी को रन कर लेते हैं, आफ्टर रनिंग द बॉडी आप कंडीशन के ऊपर आते हैं, कंडीशन अगर फॉल्स है तो वापस जाएंगे, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में हम एंड पे आ जाएंगे।
तो ये इसके साथ सिमिलर लूप है। इसका सिंटैक्स में आपने सिर्फ लफ्ज़ डू लिखना है, और डू लिखने के बाद आपने तमाम स्टेटमेंट्स लिखनी है, एंड पे लूप अंटिल, यहाँ पे कंडीशन देनी है, ब्रैकेट के साथ दे दें और विदाउट ब्रैकेट दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कंडीशन जो है ये लफ्ज़ आपको डू के ऊपर वापस लेके जाती है, ये कंडीशन आपको वापस यहाँ पे लेके जाती है। लेकिन कब लेके जाती है? जब ये फॉल्स होगी। जब ये ट्रू होगी तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा, आमतौर पर एंड सब लिखा होता है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कंडीशन ट्रू हुई एंड सब, कंडीशन फॉल्स हुई तो हम वापस लफ्ज़ डू पे चले जाते हैं। तो अनटिल लूप की ये प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा तब चलती है जब कंडीशन फॉल्स होती है। इसको प्रैक्टिस करते हैं। डू लूप वाइल, ये लफ्ज़ हम यहाँ से रेज कर देंगे। एक तो लफ्ज़ लिखेंगे अनटिल, और दूसरे नंबर पे जब तक एन बड़ा है या बराबर है 10 के, तब तक ये लूप चलेगी। इससे मुराद ये है कि एन की वैल्यू पहले नंबर पे 1 है, लूप चलेगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 > 10 नहीं होता। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हम वापस यहाँ पे डू पे जाएंगे, तो ये 10 दफ़ा पाकिस्तान डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे एक ऑप्शनल स्टेटमेंट हम आमतौर पे लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हम लूप से बाहर आ गए, लूप टर्मिनेटेड। ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट लिखें, जैसे हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हम पता चले कि हम इस लूप की बॉडी से बाहर आ चुके हैं, हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। रन करके देखते हैं, तो ये लफ्ज़ पाकिस्तान को 10 दफ़ा डिस्प्ले करेगा। आफ्टर डिस्प्लेइंग लफ्ज़ 10 टाइम हम क्या करेंगे, इसको लूप को टर्मिनेट कर देंगे। अगर आप काउंटिंग शो करना चाहते हैं साथ में, इसके साथ एंड लगा दें, एंड एन, एन भी साथ साथ डिस्प्ले होता रहेगा। स्पेस दे दें थोड़ी सी, इसका मतलब पाकिस्तान 1, पाकिस्तान 2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा अप टू पाकिस्तान 10 तक। टेन इंक्लूडेड था, यहाँ पे 10 को रेज कर देंगे तो अब 10 भी डिस्प्ले होगा। तो ये 10 तक डिस्प्ले होने के बाद लूप टर्मिनेट होगी। सिमिलरली दूसरा प्रोग्राम करते हैं कि आपने फर्स्ट 10 नंबर डिस्प्ले करने हो गए, काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 करनी है इसको। ये आसान मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं आपने चेंज करना। 10 को 1 को 10 कर देना है, यहाँ पे कर देना है <coughs> less than 1। जब तक n लेस देन 1 है तब तक ये चलता रहेगा, यानी कि n की वैल्यू 10 है, यहाँ पे आके 9 हो जाएगी। 9 छोटा नहीं होता 1 से, इसका मतलब लूप में दोबारा वापस जाएंगे। यहाँ पे आपने डिक्रीमेंट कर देना है, तो ये पाकिस्तान के साथ रिवर्स काउंटिंग शो होगी। 10, 9, 8, 7, 1 डिस्प्ले होने के बाद लूप टर्मिनेट होगी। अगर आप यहाँ पे इसके साथ n के, एन लेस देन के साथ इक्वल भी लगा देंगे, तो फिर वो लूप एन 1 को शो नहीं करेगी बल्कि 2 पे टर्मिनेट हो जाएगी। देखते हैं जी, 10, 2, 2 के बाद लूप टर्मिनेटेड, यानी कि पाकिस्तान 1 का मैसेज नहीं आएगा। अब सिर्फ आपने एन नंबर शो करने हैं, इसको रेज कर दें तो सिर्फ नंबर शो होने शुरू हो जाएंगे। इवन नंबर्स ऑड नंबर्स का प्रोग्राम वैसे ही है जिस तरह से हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था, लास्ट क्लास में किया था। हम यहाँ पे कैलकुलेट द सम ऑफ क्यूब्स वाला कर लेते हैं, फैक्टोरियल, और सिमिलरली ये टेबल, तीन प्रोग्राम हम इसके अंदर करते हैं। पहले नंबर पे हमने सम ऑफ क्यूब्स शो करना है, तो जब भी हमने सम करना होता है, हमें ये पता है कि हम सम एक बनाते हैं वेरिएबल, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू रख देते हैं 0, और हर दफ़ा आपने उसकी वैल्यू में सम एन ऐड करते जाना है। हमने सम किसको करना है, यहाँ से क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी कि एन की स्टार्टिंग वैल्यू आपने रख देनी है 1, और जब तक एन छोटा है या बराबर है 10 के। बराबर लिखेंगे तो साथ में 10 काउंट नहीं होगा, छोटा लिखेंगे तो उसका मतलब 10 काउंट होगा। आपने यहाँ पे कितना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, हर दफ़ा एन की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करना है। आप इस लूप को अंडरस्टैंड करते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे, ए
एक है n और दूसरा है सम। n की स्टार्टिंग वैल्यू आपने 1 रखी है और सम की स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखी है और यहाँ से आपकी लूप शुरू हो रही है। यहाँ पे एक और टेबल इंसर्ट कर लेते हैं कॉलम, लूप आइट्रेशन, यानी कि लूप की कौन सी गिनती चल रही है। यहाँ पे जब लूप की फर्स्ट आइट्रेशन शुरू होगी तो पहले नंबर पे हमने क्या किया, सम की वैल्यू 0 है उसमें एन की वैल्यू 1 ऐड कर दी, 0 और 1 सम की वैल्यू होगी 1, सम की वैल्यू होगी 1 और एन की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट किया तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। ये लूप की फर्स्ट आइट्रेशन थी। आफ्टर रनिंग दिस आइट्रेशन हमने देखा कि एन की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन 10, इसको ग्रेटर करना पड़ेगा, 2 ग्रेटर देन 10 नहीं होता, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने की सूरत में हम वापस यहाँ पे डू पे जाते हैं और डू हमको यहाँ पे लेके आता है, सम की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, 1 और 2 3 हो जाएगा तो सम की नई वैल्यू जो है वो 3 होगी। एन की वैल्यू 2 थी उसमें 1 ऐड किया तो सम एन की नई वैल्यू भी 3 होगी और ये लूप की सेकेंड आइट्रेशन है। अब थर्ड आइट्रेशन में हमने ये देखा एन की वैल्यू 3 है, ग्रेटर देन 10 नहीं होती, कंडीशन फॉल्स है तो दोबारा डू पे जाएंगे, सम की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 3 है, 3 और 3 6 हो गया, 6 होने के बाद एन की वैल्यू 3 और प्लस 1 4 हो जाएगी और ये लूप की थर्ड आइट्रेशन थी। एन की वैल्यू 4 है, 4 लेस देन ग्रेटर देन 10 नहीं होती तो इसका मतलब हम वापस डू पे जाएंगे, इसमें 6 है और इसमें 4 है, 6 और 4 सम की नई वैल्यू 10 होगी और इंक्रीमेंट करेंगे, लेट्स सपोज उसको 5 तक कर लेते हैं ताकि टर्मिनेट हो जाए। अब ये सम की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 1 5 हो गई, ये लूप की फोर्थ आइट्रेशन थी। एन बड़ा नहीं होता 5, 5 बड़ा नहीं होता 5 से, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है। हम यहाँ पे जाएंगे, सम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, एन की वैल्यू है 5, 10 और 5 15 और एन की वैल्यू 5 प्लस 1 6 हो गई। अब 6 को आप चेक करेंगे, 6 ग्रेटर देन 5 होता है, अब कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब हम लूप से बाहर आ चुके हैं, यानी कि लूप कितनी दफ़ा चली है, टोटल लूप की 5 आइट्रेशन हुई हैं। पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि लूप की थर्ड आइट्रेशन के ऊपर एन और एस की वैल्यू बताएं, तो आपने ये देखना है थर्ड आइट्रेशन है, एन की वैल्यू 4 है और सम की वैल्यू 6 है। अगर आपसे पूछा जाता है लूप की फोर्थ आइट्रेशन के ऊपर एन और सम की वैल्यू बताएं, फोर्थ आइट्रेशन ये है, एन की वैल्यू 5 है और सम की वैल्यू 10 है। फिफ्थ आइट्रेशन ये क्वेश्चन आता है कि बताएं ये लूप टोटल कितनी दफ़ा चली है, आपने देखना है टोटल 5 दफ़ा चली है, एन की वैल्यू 6 हो गई थी और सम की वैल्यू 15 हो गई है। आप यहाँ पे आके डिस्प्ले कर दें, द सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एंड और सम, तो ये 15 आंसर आना चाहिए, तो 15 आंसर आ गया। अब हमने लेना है सम ऑफ क्यूब्स, तो इसके ऊपर लगा दें पावर 3, अब ये 3 पावर ऐड होती जाएगी, यानी कि पहले नंबर पे जब ये एन की वैल्यू 1 होगी, 1 का क्यूब 1 होता है, सम की वैल्यू 0 है और उसमें 1 ऐड किया तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है, अगली दफ़ा उसका क्यूब ऐड होता जाएगा उसके अंदर, तो ये इसका आंसर फिर 225 आना चाहिए, ये 225 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने सम भी कैलकुलेट कर लिए और सम ऑफ क्यूब भी कैलकुलेट कर लिए। अब हम देखते हैं फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख लेंगे फैक्टोरियल, एन की वैल्यू हमें नहीं पता ये क्या होगी, इसको रेज कर देते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, लूप की कितनी आइटेशन चलनी है ये नहीं पता, लेकिन हमें फिलहाल सपोज हम इसको यहाँ पर रहने देते हैं। अब फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे हमने फैक्टोरियल की वैल्यू स्टार्टिंग 0 रखनी होती है, हमें पता है 1 रखनी होती है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल आपने एक वेरिएबल बनाया, एन की वैल्यू आपने लेनी होती है यूज़र से जिस नंबर का आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, एंटर द नंबर यू वांट टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, इस नंबर का आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं वो नंबर एंटर करें। अब हमने एक कंडीशन लगानी है, जब तक नंबर बड़ा है, जब तक नंबर छोटा है एक से,
तब तक ये कंडीशन चलेगी। हर दफ़ा आपने क्या करना है, फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन, और हर दफ़ा एन की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट करना है। और यहाँ पे आके इसको डिस्प्ले करेंगे, इसको फिलहाल इरेज कर देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये लूप कैसे चल रही है। फैक्टोरियल की स्टार्टिंग वैल्यू जो है ना वो हमने रख दी है 1। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे यूज़र ने एन की वैल्यू जो दी है ना वो 4 है। अब हम जब लूप की पहली आइट्रेशन के अंदर आएंगे, हमने देखा फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 4 है, 4 को एन से मल्टीप्लाई किया, फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 4। एन की वैल्यू के अंदर एक डिक्रीमेंट कर दिया, एन की वैल्यू हो गई 3। फिर हमने देखा 3 <1 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने की सूरत में हम वापस कहाँ पे जाते हैं, डू पे। फैक्टोरियल की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 3 है, 3 4 12 हो गया। और उसके बाद हमने देखा एन की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट है, इसका मतलब एन की वैल्यू 3 से अब रह गई है 2। 2 <coughs> 1 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स है। वापस यहाँ पे आए, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 24 है, फैक्टोरियल की नई वैल्यू 24 है। और ये n की वैल्यू जो है वो 2 में से 1 माइनस हो गया तो n की वैल्यू 1 होगी। 1 <1 नहीं होता क्योंकि 1 1 के इक्वल होता है। अभी भी कंडीशन फॉल्स है। अब यहाँ पे जाएंगे 24 1 24, ये 24 ही रहेगा। और n की वैल्यू 1 में से 1 निकला तो 0, 0 <1 होता है, कंडीशन होगी ये ट्रू। अब हम दोबारा यहाँ पे नहीं जाएंगे तो इसका मतलब हम लूप से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे आके हम डिस्प्ले कर देते हैं द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एंड फैक्टोरियल। अब वो जो फैक्टोरियल की वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देते हैं। 4 का फैक्टोरियल है 24, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720। तो ये फैक्टोरियल इस तरह से कैलकुलेट होता है। अगर यूज़र ने 4 वैल्यू दी है, इसका मतलब है कि आपकी लूप 4 दफ़ा चली है, ठीक है। अगर यूज़र 5 वैल्यू देता है तो लूप 5 दफ़ा चलेगी। यूज़र 10 वैल्यू देता है, इसका मतलब 10 दफ़ा चलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन एंड फैक्टोरियल इन थर्ड आइट्रेशन, तो आपने बताना है कि एन की वैल्यू थर्ड आइट्रेशन में 1 हो गई है और फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होगी। तो आप इस तरह से अगर टेबल जनरेट करना सीख लेंगे तो अल्टीमेटली आप पेपर का एक अहम पोर्शन जो है वो उसको हल कर लेंगे। ले जी, लास्ट प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट करते हैं। सो लास्ट प्रोग्राम हमारे पास है कि हमने टेबल को डिस्प्ले करना है। इसको रेज कर देते हैं। डिम टी फॉर द टेबल है और एन फॉर द नंबर जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है एज एन टीचर। एन की स्टार्टिंग वैल्यू हम 1 रख देते हैं, टी की वैल्यू हमने लेनी है यूज़र से। तो हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर द नंबर, एंटर नंबर 2, गेट द टेबल। टेबल लिखा देखने के लिए आप एक नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे। अब हमने लिखना है डू सेल्स एन 1 value इज इक्वल टू टी डिस्प्ले करना है। अजान सुन लें तब तक। सो बेटा जी, इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, टी और एन। आपने अपनी रफ कॉपी के ऊपर 2 वेरिएबल बना लेने हैं टी। इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपके नोट्स का पार्ट बना रहेगी। टी और ये एन, एन की वैल्यू हमने सपोज कर ली है 1, टी की वैल्यू सपोज किया यूजर ने दे दी है 5। जब हम लूप के अंदर आएंगे तो हमने एन की वैल्यू 1 है, पहले ही रो पहला कॉलम की वैल्यू आपने रख दी टी, टी की वैल्यू 4 है, यानी कि आपकी एक्सेल शीट के ऊपर पहली रो पहली कॉलम के अंदर 4 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, 1 पहली रो दूसरा कॉलम में आपने x कैपिटल x एज इट डिस्प्ले कर दिया।
पहली रो दूसरे कॉलम में कैपिटल एक्स डिस्प्ले हो जाएगा। फिर पहली रो तीसरे कॉलम में आपने एन की वैल्यू जो कि वन है वो डिस्प्ले कर दी, वन डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद एन की वैल्यू जो है वो वन है, पहली रो चौथा कॉलम में आपका इक्वल साइन डिस्प्ले होगा। उसके बाद पहली रो पांचवें कॉलम के अंदर टी और एन का मल्टीप्लिकेटिव आएगा, यानी कि हम कहते हैं इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो फोर वो इसके अंदर डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से ये चार ये टेबल जो है ना वो बनना शुरू होगा। अगली दफ़ा जब आएंगे तो एन की वैल्यू हो जाएगी टू। टू होने की सूरत में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फिफ्थ कॉलम। तो ये एन की वैल्यू जो है वो टू हो चुकी होगी, टी की वैल्यू टू से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा इस टेबल में ये जो है ना टी की वैल्यू सभी में फाइव ही रहेगी हर आइट्रेशन में। एन की वैल्यू जो है ना वो बढ़नी शुरू हो जाएगी टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, जितना आप टेबल हमने कंडीशन लगाई है टेन तक की, तो टेन तक डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ पे आप आगे मैसेज दे सकते हैं, मैसेज बॉक्स लूप टर्मिनेटेड। लूप टर्मिनेट होने के बाद मैं सपोज करने पाँच का टेबल देखना चाहता हूँ तो ये पाँच का टेबल और ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। मैं 18 का टेबल देखना चाहता हूँ तो ये 18 का टेबल है, ये 19 का टेबल देखना चाहता हूँ तो ये 19 का टेबल। सो ये टेबल डिस्प्ले हो रहा है ऑन द एक्सेल शीट। आप लोगों ने इसको परफॉर्म करना है ऑन द मैसेज बॉक्स, यानी कि ये भी आपको आता होना चाहिए। साथ में अगर आपको पेपर में कहा जाता है कि एक टेबल डिस्प्ले करें ऑन मैसेज बॉक्स, तो आपको मैसेज बॉक्स के ऊपर भी टेबल डिस्प्ले करना आता होना चाहिए। अभी हमारे पास चार टाइप्स पूरी हो गई, आपस में एक दूसरे के साथ मैच करती थी। हमारे पास डू लूप अंटिल, डू लूप वाइल, उस तरह से डू वाइल लूप थी, डू अंटिल लूप थी, चार टाइप्स पूरी हो गई आपस में मैच करती हैं। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है लूप फॉर लूप की, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी इसके कंसर्निंग कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको मैं शेयर करूँगा ऑन व्हाट्सएप ग्रुप और एनी अदर सोर्स। तो आप लोगों ने क्या करना है उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन साथ साथ होती रहे। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो कोई रेगुलर क्लास जो है ना वो होगी बिफोर द एग्ज़ाम, तो आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है। अगर आपका कोई क्यूरी होगी, क्वेश्चन होंगे, मैं उनको आंसर करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज और रिटन मैसेज या स्क्रीन शॉट की सूरत में आप मुझे सेंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।